नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको बताने वाली हूँ गुलाब का शरबत। जो मेरे को कमेंट में पूछा गया था कि आप हमें गुलाब का शरबत बताइए, ये बहुत ही ठंडा होता है गर्मियों के लिए, लेकिन मैं इसको सूखे के रूप में बताने वाली हूँ। गीले के रूप में अगर हम बनाते हैं तो उसमें नींबू या नींबू का शरबत डालना पड़ता है। अगर नींबू या नींबू का शरबत डाल लेंगे तो उसको हम दूध में नहीं बना सकते, इसको हम पानी में ही बना सकते हैं। लेकिन जो मैं बनाऊंगी उसको हम दूध या पानी दोनों के साथ में बना सकते हैं। ये गर्मियों में अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उनके नक्सरी में फायदा करता है, हाथों पैरों की जलन वगैरह होती है तो उसमें भी ये फायदा पहुंचाता है। इसलिए आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए। आइए हम आपको इसकी विधि बताते हैं। गुलाब के शरबत के लिए मैंने 20 फूल लिए हैं। 20 फूल के पीछे मैंने 20 चम्मच चीनी ली है, इस तरह से जो 16 चम्मच होती है हमारे घर में, यहाँ तक ली है। अगर आपको तोल में देखना है तो 250 ग्राम चीनी चाहिए 20 फूल के पीछे। 250 ग्राम आप बाज़ार से चीनी ला सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे गुलाब के फूल हैं इनकी पत्तियाँ हम ले लेंगे। पत्तियाँ हमको अलग करके पत्ती पत्ती लेनी हमें, इस तरह से हमने फूल की पत्तियाँ अलग कर ली है। इसके बाद में हमें इनको साफ पानी से धोना है, अच्छे से धो लेना है पानी उसमें, इस तरह से। पानी निकाल देंगे, इसके बाद में हम पत्तियों को इस तरह से दूरी पे थोड़ा थोड़ा सुखा लेंगे। इनको इनका पानी सुखाना है, इसके लिए हमें थोड़ा इनको सुखाना भी पड़ेगा इस तरह से। हमने 20 मिनट तक पत्तियों को सुखा लिया है। 20-25 मिनट ही सुखाना है, इससे ज़्यादा नहीं सुखाना है, अगर ज़्यादा सुखाओगे तो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद में हम मिक्स के जार में इनको डाल लेंगे पत्तियों को। इसके बाद में जो हमारी चीनी है वो भी डाल लेंगे इसमें, और पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, इसको इस तरह ही पीसना है हमें बारीक, इस तरह हमें पीसना है। इस तरह आपको बीच बीच में इसको थोड़ा इस तरह चम्मच से सेट भी करते रहना है ताकि ये बराबर एक साथ पीसा जाए। इस तरह से बीच बीच में आपको चम्मच की सहायता से इस तरह सेट करके पीसोगे तो इस तरह से सही पीसा जाएगा और मिक्सी भी ख़राब नहीं होएगी। इस तरह से बार बार पीसना है आपको। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसको हम थाली में लेंगे। इसके बाद में हमने थाली में इसको इस तरह से फैला लिया है और पंखे के नीचे हमें इसको सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही इसको सुखाना है। और हर 2 घंटे के बाद में हम इसको इस तरह से हिला के सेट करेंगे। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है और थाली में पानी रखना है और इस थाली को इसके अंदर रख देना है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं रखोगे तो चींटियाँ लग जाएगी, क्योंकि गर्मियों में चींटियाँ खूब निकलती है। इसको बचाने के लिए हमने पानी के अंदर रख दिया है इस थाली को। 2 घंटे के बाद में हम बताएंगे आपको। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे होने के बाद में हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है, पंखे के नीचे ही रखना है इस तरह से। आप अच्छे से इसको मिक्स करना इस तरह से ताकि ये जो चीनी वगैरह है गांठे नहीं पड़े और ये चूर्ण अच्छा बने हमारा, इस तरह से करना है। और वापस फिर हम पंखे के नीचे रख देंगे कुछ देर के लिए, वापस पंखे नीचे इस तरह से करके वापस रख देंगे। इस तरह से ये सूखे कम से कम 10-12 घंटे लगे पंखे के नीचे सुखाने में। इस तरह से हमने सुखा लिया है, इस तरह से पानी नहीं रहा है क्योंकि फूलों में जो पानी होता है वो सुखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। इसके बाद में हमने इलायची ली है कुछ, आप अपने हिसाब से 10-15 इलायची ले सकते हैं। इसके बाद में मैंने 10 चम्मच इस तरह से चीनी और ली है इसमें डालने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारी चीनी हो गई 350 ग्राम चीनी हो गई है। 20 फूलों के साथ में हमें 350 ग्राम चीनी डालनी है। ये इस तरह से हमने 10 चम्मच चीनी ली है। इसके बाद में हम इसका इस तरह
हमने पीस लिया है, आप स्टील के जार में भी पीस सकते हैं। हमने आपको दिखाने के लिए इसमें इस तरह से पीसा है ताकि ये दिखता भी रहे कि हाँ सही बराबर से पीस रहा है कि नहीं पीस रहा। इस तरह से हमने इसका पाउडर कर लिया है। फिर इसको जो बारीक छलनी आती है उसमें छानेंगे। हमने छान लिया है, जो बचा हुआ है उसको एक बार वापस पीस लेंगे। इसका बचे हुए का एक बार वापस हम जार में डाल के पाउडर बनाएंगे। इस तरह से दोबारा हम इसको पीस लेंगे। हमने छान लिया है, छानने के बाद में कोई भी प्लास्टिक का या कांच का जो भी डब्बा हो आपके पास में उसमें आप डाल सकते हैं। मैंने पहले भी डाला हुआ है कांच के डब्बे में इस तरह से, तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। कांच का जो भी हो आपके पास में हो आप इस तरह से इसको इसमें डाल दीजिए। इसके बाद में अगर आपको दूध वाला चाहिए तो आप इस तरह से 2 चम्मच डालिए और दूध डाल दीजिए इस तरह से, और चम्मच से हिला दीजिए इस तरह से। ये दूध बहुत ही अच्छा बनता है, पीने में टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। इस तरह से आप दूध में भी डाल सकते हैं इसको, और बर्फ़ डाल लीजिए। अगर आपको बर्फ़ अच्छी लगती है तो डाल लीजिए, नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह से आप दूध वाला भी बना सकते हैं। इसके बाद में जब भी आपको पीना हो तो आप इस तरह से 2 चम्मच इसमें डालिए। अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप कम भी थोड़ा डाल सकते हैं, आपके हिसाब से ले सकते हैं इसको। कम से कम 2 चम्मच डालोगे तो अच्छा बनेगा। इस तरह से फिर पानी डालेंगे, हमने ठंडा पानी डाला है, और चम्मच से इस तरह से हिला देंगे इसको। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है ये। ऊपर से हम इसमें बर्फ डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। ये देखिए नेचुरल कलर है इसमें, कोई भी कलर वगैरह नहीं है इसमें। इस तरह से आप दोनों तरीकों से इस शरबत को बना सकते हैं, दूध के साथ भी बना सकते हैं और पानी के साथ भी बना सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही ठंडा होता है, गुलाब का शरबत हाथों पैरों में जो जलन होती है उसमें भी ये बहुत ही फायदा पहुंचाता है, इसलिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरा जो वीडियो पसंद कर रहे हो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें जरूर पूछिए। धन्यवाद।